एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आदतें हमारा भविष्य बदल देती है। हेलो नमस्कार, मैं साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी तमाम तरह के मानसिक रोग हैं वो एक हैबिट भी है। अब देखिए हैबिट कैसे हैं और इस हैबिट को कैसे बदलना है आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। हम अपनी आदतों को डिलीट नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी आदतों को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी आदत के साथ। इसी प्रकार हमें समझना होगा कि हमें नई आदतों को सीखने की तरफ कदम उठाने होंगे। जैसे कहा भी गया है कि आदतें एक रस्से के समान हैं, जो इतना बड़ा रस्सा हो जाता है कि जो तोड़ने से टूटता नहीं है। लेकिन खास बात यह है इस आदतों के रस्से में कि इस रस्से का एक एक धागा रोज बुना जाता है। जैसे आपने देखा होगा सूत का कच्चा धागा, जो धागा इतना मजबूत नहीं है, बस मामूली से झटके से टूट जाता है। लेकिन एक एक धागा रोज जोड़ा जाए और उसे घुमाया जाए तो एक दिन वो इतना मजबूत रस्सा बन जाता है जो तोड़े से भी टूटता नहीं है। यही बात लागू होती है आदतों के ऊपर। आदतों को भी हम ऐसे बनाते हैं जैसे एक एक धागा रोज बुन रहे हैं। अब देखिए कि ओसीडी है, उसमें पहले दिन छोटे छोटे कंपल्सन करने पड़ते हैं, थोड़े से कंपल्सन करने पड़ते हैं, दूसरे दिन एक एक बूंद ऐड करते जाते हैं, एक एक धागा ऐड करते जाते हैं और एक दिन यही ओसीडी की आदत जी का जंजाल बन जाती है। इसी प्रकार डिप्रेशन भी एक आदत है, क्योंकि आदतों में एक खास बात है कि जो काम हम बार बार करते हैं दिमाग उसके पैटर्न्स को सेव कर देता है मेमोरी के अंदर, वो मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्रिया होने लग जाती है। हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि हमारी ऊर्जा और हमारा टाइम बचाया जाए, क्योंकि दिमाग को ये पता लग जाता है कि ऐसा रोज़ किया जा रहा है, उसका एक पैटर्न हमारे अचेतन मन में सेव हो जाता है। और ऐसे लाखों करोड़ों पैटर्न अचेतन मन में सेव हैं। खाने से छोटी छोटी आदतों से लेकर बड़ी बड़ी आदतें, हर एक आदत का एक पैटर्न सेव होता है। जैसे मेमोरी कार्ड में या कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फाइलें सेव होती हैं, उसी प्रकार हमारे माइंड में बहुत सारे पैटर्न सेव होते हैं हमारी आदतों के, और यही पैटर्न्स इन आदतों के लिए जिम्मेवार हैं। तो हमें मानसिक रोगों को समझने के लिए इन आदतों के पैटर्न्स को समझना होगा, इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि मानसिक रोग तब हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं जब हम नई आदतों को डेवलप कर पाएं, इन पुरानी आदतों के पैटर्न को समझ पाएं। एक बड़ी अच्छी बुक थी द पावर ऑफ हैबिट, उसमें आदतों के विषय में ये कहा गया है द पावर ऑफ हैबिट्स बुक्स में कि सबसे पहले एक क्ल्यू आता है वातावरण से, एक ट्रिगर जनरेट होता है, उस ट्रिगर के बाद इच्छा उठती है और इच्छा के बाद हमें कुछ नियमित प्रोसेस करनी पड़ती है, एक्टिविटी करनी पड़ती है और एक्टिविटी के बाद हमें इनाम मिलता है, फिर यही प्रोसेस चालू हो जाता है। तो आदतों को हम ऐसे सीखते हैं। अब आदतों को बदलना है तो बदलने के लिए कल्यू हमें मिलेंगे, ट्रिगर हमारे जो इन्वायरमेंट में हैं वो हमें आते ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट आते रहेंगे, इच्छा भी उठती रहेगी, इच्छा के बाद जो ओसीडी वाली एक्टिविटी है या डिप्रेशन वाली या फोबिया वाली, उस एक्टिविटी को नहीं करना है। एक्टिविटी आप जानते ही हैं, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये साइकोथेरेपी और काउंसलिंग सेशन में पूरी डिटेल से चर्चा होती है। तो उस नियमित एक्टिविटी को बदल देना है, उसके बाद जो इनाम मिलेगा, उसके बाद जो राहत मिलती है वो वही मिलेगी जो कंपल्सन करने से प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम अपनी आदतों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आदतों के विषय में जाना और कैसे हम अपनी आदतों को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये बात भेजे में बैठ गई तो बल्ले बल्ले पैटर्न्स नए बन रहे हैं, तो बल्ले बल्ले नहीं बन रहे तो थल्ले थल्ले, क्योंकि आपके पुराने पैटर्न्स इतने हावी हैं कि नए पैटर्न्स बन नहीं रहे हैं। अगर आप फिर भी नए पैटर्न्स बनाना चाहते हैं, बल्ले
थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर आदतों से संबंधित रिटन में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग।